नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इंसानियत झुलस गई है कलयुग के इस धूप से, कान्हा अब छांव चाहिए तेरे कल की रूप से। शास्त्र अनुसार भगवान विष्णु अब तक अपने 9 अवतार ले चुके हैं और अब अपना 10वां अवतार इस कलयुग में लेने वाले हैं। शास्त्रों में दुनिया के पालनहार के जिस 10वें अवतार का सदियों से जिक्र हो रहा है वो है भगवान कल्कि। माना जाता है कि जब ये कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर इस कलयुग का अंत करेंगे, फिर उसके बाद धर्म की स्थापना होगी। अब देखें ना, आज की तारीख में भगवान कल्कि लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि देखिए कोई नहीं जानता कि भगवान कल्कि कब इस धरती पर अवतरित होंगे, उनका रूप कैसा होगा, कहाँ से वो आएंगे। लेकिन सदियों से 7 दिव्य पुरुष उनका इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी तक यानी कि इस कलयुग में वो 7ों पुरुष जीवित हैं। अब उन्हें सिर्फ भगवान कल्कि का इंतजार है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे दिव्य पुरुषों के बारे में बताएंगे जो सदियों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार का इंतजार कर रहे हैं। इन दिव्य पुरुषों में से एक है रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद अगर देखिए किसी का नाम अधिक स्मरण किया जाता है तो वो है हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और राम भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी। रामायण काल में देखिए जन्मे हनुमान जी, महाभारत काल में भी जीवित हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का भी उन्हें आज्ञा मिली थी। तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगह पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक समय देखिए ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में राम के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो कि भगवान शिव के रुद्र अवतार है वो पुनः शिव में समा जाएंगे। इस कलयुग के दूसरे चिरंजीवी महापुरुष भगवान परशुराम हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं इस कलयुग में जीवित है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी देखे गए थे और ऐसी भी एक ऐसी मान्यता है कि भाई परशुराम जी ने इस पृथ्वी लोक से 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया है। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु रह चुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे और जो कि ये भी कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण उन्हें कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा रोज भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग के अंत करने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवद गीता की रचना की थी। महर्षि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। जी हाँ, महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी वो इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
तो पांचवे चिरंजीवी महापुरुष हैं लंका नरेश राजा विभीषण। राजा विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता ना करने को रावण को बहुत समझाया भी था, लेकिन इस बात पर देखिए रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ उन्होंने दिया था, और इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि इस कलयुग के अंत तक वो भी जीवित होंगे। इसके अलावा छठवें चिरंजीवी महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे तो देखिए हर किसी ने सुना होगा, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर वामन के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पैर नाप कर लें। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पग में ही देखे संपूर्ण सृष्टि नाप ली थी, और 3रा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया था और उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं और आज भी वो पाताल लोक में जीवित हैं। तो इस कलयुग के 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं कृपाचार्य। जी हाँ, संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति में आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना देखे सप्त ऋषियों में की जाती है। वो उन महान 18वां योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। तो देखिए, ये 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो आज की तारीख में भी इस धरती पर भगवान कल्कि की राह देख रहे हैं।